देश आगे तभी बढ़ेगा जब आप साथ इकट्ठा लेकर सबका साथ सबका विश्वास जो आप बात करते हो वाकई में उसका पालन करो। तो प्रधानमंत्री जी चुप रहते हैं, फिर बात कर रहे हैं सेक्युलरिज्म। अरे पहले सेक्युलरिज्म का मतलब तो समझो, जरूर बात करो। हम भी चाहते हैं कि ये देश सेक्युलर हो, लेकिन सबसे पहले आप लोगों को सेक्युलर बनना पड़ेगा, तभी देश सेक्युलर होगा ना। मैं समझता हूं कि कोई भी प्रधानमंत्री मोदी जी से पहले किसी ने ऐसे विवादित भाषण नहीं दिए होंगे जितने भाषण प्रधानमंत्री जी जिस किस्म के देते हैं। अब इनके जो सहयोगी दल है, जो मतलब के सहयोगी लोग हैं, जो बजरंग दल के लोग हैं, जब वो आक्रमण करते हैं कुछ लोगों पे, तो सब लोग चुप रहते हैं, प्रधानमंत्री जी भी चुप रहते हैं। और जो घुसपैठियों की बात करते हो ना, मेरे से ये बात भी सुन लो, इस देश में सबसे बड़े घुसपैठिए कौन है? मैं आपको बता रहा हूं। यही जो इलेक्ट्रल बॉन्ड आपने दिए हजारों करोड़ लाखों करोड़ में, अगर यही इलेक्ट्रल बॉन्ड आप नहीं लेते और यही स्किल डेवलपमेंट में खर्चा करते तो हिंदुस्तान कहीं का कहीं पहुंच जाता। मैं प्रधानमंत्री, कई प्रधानमंत्री हुए, उनके भाषणों के बारे में अगर बारीकी से देखोगे, मैं समझता हूं कि कोई भी प्रधानमंत्री मोदी जी से पहले किसी ने ऐसे विवादित भाषण नहीं दिए होंगे जितने भाषण प्रधानमंत्री जी जिस किस्म के देते हैं। आपको याद होगा, थोड़े बरसों पहले बात है, कब्रिस्तान, शमशान घाट, बिजली का खर्चा, लव जिहाद, पिंक रेवोल्यूशन, घुसपैठिए। अभी इनके जो चीफ मिनिस्टर है असम में, वो कहते हैं कि फ्लड जिहाद, लव जिहाद के बाद फ्लड जिहाद, और ऐसी यूनिवर्सिटी पे आरोप लगाना जो हिंदुस्तान के टॉप 200 यूनिवर्सिटीज में से हैं। और बात करते हैं कि हिंदुओं की सुरक्षा की, अच्छी बात है, हम सब चाहते हैं कि हर नागरिक की सुरक्षा हो, लेकिन उन्हीं के जो मुख्यमंत्री हैं असम में, वो हमारे हिंदू भाई जो हैं, जो इस तरफ आना चाहते हैं क्योंकि उनके हालात बांग्लादेश में ठीक नहीं है, उनको आने नहीं देते। और भागवत जी ने आज खुद बयान दिया है कि भाई हमें उनकी चिंता है और हम सब लोगों को चिंता है, क्यों नहीं आने देते, ये राजनीति है, क्योंकि वो बंगाली हिंदू हैं। तो इस किस्म की राजनीति को करना देश के हित में नहीं है। अभी देखो, जो हमारे जो क्रिमिनल लॉज हैं, कोई भी नागरिक हो, सभी को काल पालन करना पड़ता है, सभी प्रोसिक्यूट होते हैं अगर कोई गलत काम करें। लेकिन यह भी बात सही है और सब जानते हैं कि जब इनके जो सहयोगी दल हैं, जो मतलब के सहयोगी लोग हैं, जो बजरंग दल के लोग हैं, जब वो आक्रमण करते हैं कुछ लोगों पे, तो सब लोग चुप रहते हैं, प्रधानमंत्री जी भी चुप रहते हैं। और जब एक ऑपोजिशन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भाषण करते हैं पार्लियामेंट में, लोकसभा में, और उठ के इनका मेंबर ऐसी ऐसी बात करता है जो मैं आज आपके सामने बोल भी नहीं सकता, तो प्रधानमंत्री जी चुप रहते हैं, फिर बात कर रहे हैं सेक्युलरिज्म की। अरे पहले सेक्युलरिज्म का मतलब तो समझो, जरूर बात करो, हम भी चाहते हैं कि ये देश सेक्युलर हो, लेकिन सबसे पहले आप लोगों को सेक्युलर बनना पड़ेगा, तभी देश सेक्युलर होगा ना। और फिर उसके साथ जुड़ता है अल्फाज सिविल, यूनिफॉर्म सिविल कोड। बस सिविल का भी मतलब समझना पड़ेगा, सिविल का मतलब है कि आप ऐसा अपना बीजेपी का चेहरा ऐसा होना चाहिए जो किसी नागरिक को उसके जो पहनता है, जो उस जो जो भोजन खाता है,
कहां से खाता है, नॉन वेजिटेरियन है, वेजिटेरियन है, उस पर तो विवाद नहीं होना चाहिए ना, तभी तो सिविल होगी बात। और आप ही के प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में आपने बोला कि जो जो कवड़िया चल रहा है वहां दुकानों पे नाम लिखना चाहिए कि उसका मालिक कौन है। ये विवादित बातें आप करोगे और फिर आप लाल किले पे भाषण दोगे तो एक नागरिक सोचता होगा कि भाई ये भाषण तो अच्छा है, होना तो चाहिए, लेकिन जमीन पे हो क्या रहा है उसका उलट। अभी देखो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि ट्रिपल तलाक गलत है, फैसला किया ना। अभी सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में फैसला किया कि जो मुस्लिम औरतें हैं जो अलग हो जाती हैं अपने हस्बैंड से, उनको मेंटेनेंस मिलना चाहिए, यह भी अदालतों ने फैसला कर दिया, किया है ना। तो आप चाहते क्या हो, आप ये तो पहले बताइए कि क्या बदलाव चाहते हो। क्योंकि अगर एक 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 महिला, एक महिला और एक पुरुष, एक लड़का और लड़की अगर शादी कर लें और दो अलग धर्म के हों तो विवाद खड़ा हो जाता। क्यों विवाद खड़ा होता? अरे अगर दो लोगों को प्रेम है तो आपको इसमें दिक्कत क्या है? और फिर आप बात करते हो सेक्युलरिज्म की। पहले ये तो बताइए कि आप करना क्या चाहते। मैं देखो आप बताऊं, मैं तो वकील हूं, हम तो रोज अदालतों में देखते हैं, एक तरफ तो है ट्रिपल तलाक, तलाक तलाक तलाक, दूसरी तरफ एक हिंदू महिला को घर से बाहर निकाला जाता है, उसको ये नहीं कहना पड़ता कि तलाक, हस्बैंड को ये नहीं कहना पड़ता कि तलाक तलाक तलाक, उसको घर से, उसके घर, उसके लिए घर के दरवाजे बंद हो जाते हैं। उसके लिए आप क्या कर रहे हो? सालों साल वो महिलाएं भटकती रहती हैं, वकीलों को पैसे देती हैं, मेंटेनेंस मिलता नहीं है, मेंटेनेंस मिलता ऐसा मिलता है कि भाई खर्चा होता नहीं है, बच्चे उनके पास रहते हैं, बच्चों का खर्चा कोई नहीं देता, हस्बैंड पैसे नहीं देता। रोज के रोज हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, रोज के रोज देखते हैं। वो हिंदू महिलाएं हैं, उनके लिए आप क्या कर रहे हो? मुस्लिम महिलाओं के लिए तो आपके हमदर्दी है, हिंदू महिलाओं के लिए आप क्या कर रहे हो, क्या कानून ला रहे हो? अभी कोई किस तरह से विवाह करना चाहता है उनका हक है, आप अग्नि में फेरे लगाओ या कुछ और तरीके से करो, आप चर्च में करो, कहीं और करो, करार करो, कुछ भी करो, उसमें आपको क्या आपत्ति है? आपको आपत्ति किस चीज पे है ये जरा बताइए हमें। और हिंदुस्तान का संविधान कहते हैं कि दिस इज अ सेक्युलर कंट्री, और सेक्युलरिज्म को आप अपनाइए, गले लगाइए, भाषणों से नहीं, भाषणों से अपने एक्शन से, बयानों से, बातचीत से, वर्ताव से, ऐसा लगे हर नागरिक को कि मेरे धर्म का कोई लेना देना नहीं है, मैं इस देश का नागरिक हूं, यह सरकार सब नागरिकों के लिए सब कुछ करेगी। असली मुद्दे देश के सामने जो हैं वो ये नहीं है। यूसीसी कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिससे देश आगे नहीं बढ़, जिसके बिना देश आगे नहीं बढ़ सकता। देश आगे तभी बढ़ेगा जब आप साथ इकट्ठा लेकर, सबका साथ सबका विश्वास जो आप बात करते हो, वाकई में उसका पालन करो। ना आपके 10 सालों में सबका साथ मिला, ना सबका विश्वास मिला, और ना कभी आपने प्रयास किया। जो देश के सामने मुद्दे हैं वो आर्थिक मुद्दे हैं सबसे बड़े,
और जो घुसपैठियों की बात करते हो ना, मेरे से ये बात भी सुन लो, इस देश में सबसे बड़े घुसपैठिए कौन है मैं आपको बताता हूं। जो गिनी चुनी सरकारों को, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स हैं, उनको तोड़ते हैं और अपनी सरकारें बना लेते हैं, वो असली राजनीतिक घुसपैठिए हैं। एक इलेक्टेड सरकार को आपने कई ऐसे सरकारें गिराई, आप राज कर रहे हो। राजनीतिक घुसपैठिए वो हैं जो कुछ लोगों को वोट नहीं करने देते, मत नहीं डालने देते और शासन उनका साथ देता, लोगों की वोट रद्द की जाती है, एम इलेक्टोरल रोल में नामो निशान नहीं रहता। ये असली मुद्दे हैं देश की डेमोक्रेसी के, इन पे आपको ख्याल करना चाहिए। हमारे बच्चों को नौकरी कैसे मिले? आपने 1500 रुपया महाराष्ट्र में कहा कि हम महिलाओं को देंगे, अच्छी बात है, ये नहीं कहा, पर राजनीति मतलब चुनाव से पहले तो यही प्रयास है ना कि किसी तरीके से वोट खरीदेगा। ये मैंने पिछले 10 सालों में ये देखा है, आज मैं दिल से बात कर रहा हूं, पिछले मैंने 10 सालों में देखा है कि जिस किस्म की राजनीति पिछले 10 सालों में हुई है हिंदुस्तान के इतिहास में नहीं हुई, और विवादित राजनीति। हमारे सामने जो मुद्दे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा है, स्किल डेवलपमेंट का मुद्दा है, आप भाषण तो रोज कर देते हो कि हाँ हम करेंगे करेंगे, आपने किया क्या है पिछले 10 सालों में? आप पहले कहते थे मुझे 60 महीने दे दो, 60 महीने दे दो मैं बदल दूंगा हिंदुस्तान का नक्शा। फिर जब 60 महीने खत्म हो गए आपने कहा कि मुझे 5 साल और दे दो, वो भी आपको मिल गए। फिर आपने वो चुनाव शुरू कर दिया, राम मंदिर का मुद्दा, फिर 370 का मुद्दा, लेकिन जनता ने विश्वास नहीं किया। 5 अगस्त 2019 में आपने 370 खत्म कर दिया, चलिए देश की भी यही मंशा थी, 300 खत्म, 70 हो गया, आपको राजनीतिक फायदा हुआ? आपने राम मंदिर बना लिया, अब वहां शिलान्यास करने गए, सब कुछ किया ना आपने, फायदा हुआ आपको? जनता ने फिर भी आपको पूर्ण बहुमत नहीं दी। इसका मतलब जनता नहीं चाहती कि आप विवाद के आधार पे राजनीति में आए। जनता चाहती है कि जो उनके जो समस्याएं हैं, शिक्षा की समस्या, स्किल डेवलपमेंट की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या, महिलाओं की सुरक्षा की समस्या, जिसके बारे में आपने बात की और अच्छी बात की है, और यह बात आपको कई बार करनी चाहिए थी, क्योंकि कई पिछले 10 सालों में कई ऐसी विवादित कई ऐसी घटनाएं हुई हैं महिलाओं के प्रति जो शर्मनाक हैं, और हर बात पे जांच होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये असली मुद्दे हैं। महिलाओं को रोजगार कैसे मिले? महिलाओं के जो रोजगार है ना, वो कमती होता जा रहा है। हमारे माइग्रेंट लेबर जो दूर दराज जाकर नौकरी लेकर घर पैसा भेजते हैं, वो माइग्रेशन कैसे बंद हो? जहां वो बैठते हैं उनको वहां क्यों नहीं नौकरी मिलनी चाहिए? आप इंडस्ट्री को इतना फायदा देते हैं, उनको टैक्स का फायदा देते हैं, आपको कुछ मिला नहीं? अगर यही जो इलेक्टोरल बॉन्ड आपने दिए हजारों करोड़ लाखों करोड़ में, अगर यही इलेक्टोरल बॉन्ड आप नहीं लेते और यही स्किल डेवलपमेंट में खर्चा करते, तो हिंदुस्तान कहीं का कहीं पहुंच जाता। बट बॉन्ड आपने लेने थे क्योंकि आपको अपने दफ्तर बनाने थे। उस दिन मैं पीछे गया गुवाहाटी, तो मैं मेन रोड पे जा रहा था, तो मुझे ड्राइवर ने बोला कि ये देखिए सर, ये क्या है, ये कौन सी, ये लगता को कोई 5-स्टार होटल है। तो मैंने कहा मुझे तो नहीं मालूम साहब, ये बीजेपी का दफ्तर है, ये इलेक्ट्रल बॉन्ड से बना। तो दफ्तर तो आप इलेक्ट्रल बॉन्ड से बनाओगे, वही पैसा आप अगर स्किल डेवलपमेंट में खर्च करते तो काया कल बदल जाता है हिंदुस्तान का।
हमें जितनी बेरोजगारी हमारे देश में है और उसी की वजह से आज युवा भी नाराज हैं और मिडिल क्लास भी विश्वास नहीं करती, ये रियलिटी है। तो प्रधानमंत्री जी, हम आपका आदर करते हैं, जिस पद पे बैठे हुए हैं उसका आदर करते हैं, आप हमारे प्रधानमंत्री हो, लेकिन हम आपके साथ हाथ मिलाकर हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना चाहते हैं और ऐसे मुद्दे पार्लियामेंट में या आउटसाइड पार्लियामेंट आप बताइए ताकि हम आपका साथ दे सकें। विवाद से कुछ नहीं मिलने वाला, राजनीति जो है वो भी